नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजंता एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं स्टूडेंट माइक्रोस्कोप की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के बारे में। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी दिखती है। अब जो है मैं आपको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगी स्टार्ट टू एंड। आप देख सकते हैं इस पे ये जो है हमारा आईपीस है 10x का। हम इसे जो है आईपीस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इस पर अपनी आईपीस को लगाकर जो है देखते हैं, इसलिए इसे आईपीस बोलते हैं। उसने ऐसे बोला था। फिर आप देख रहे हैं ये जो है इसकी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के जो बीच में ये हमारी मेन बॉडी होती है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये हमें जो है ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखे हैं 10x और 40x के जो है ये लेंस दे रखे हैं। फिर आप ये देख रहे हैं राउंड सा ये हमारी नोज पीस है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है हमें यहाँ स्टेज दे रखी है, जिस पे जो है आप अपनी माइक्रोस्कोप स्लाइड जो है रख के रख सकते हैं और लेंस के थ्रू उस पर देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये हमें क्लिप्स दे रखी हैं। तो ये हमें इसलिए दे रखी है ताकि जो है हम माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड्स होती हैं उसे यहाँ पे सेंटर में होल्ड कर सके, इसलिए जो है हमें ये क्लिप्स दे रखी है। तो जब ये जो स्टेज है आप अपनी जो भी माइक्रोस्कोप स्लाइड रखते हैं इस पर, और फिर जो है आप इसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस जो है चेक कर सकते हैं आईपीस के थ्रू। फिर आप ये देख रहे हैं ये जो है हमारी आम, हम इसे बोलते हैं आम, जो इसका इससे जो है हम माइक्रोस्कोप को उठाते हैं और होल्ड करते हैं। और आप ये देख रहे हैं ये जो है ये है फोकस लेंस, फोकस जो है हमें ये फोकस नोब दे रखी है। और ये जो है हमारी फाइन एडजस्टमेंट नोब है, इससे जो है आप फाइनल देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पे। फिर आप ये देख रहे हैं ये हमें जो ये नॉब्स दे रखी हैं ये हमें माइक्रोस्कोप को अप एंड डाउन करने के लिए जो है दे रखी है। आप इसे ऊपर और नीचे माइक्रोस्कोप को जो है कर सकते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे हैं हमें एक मिरर दे रखा है, ये मिरर है और ये जो है इसका कंडेंसर दे रखा है। मिरर का जो है यूज़ है वो लाइट सोर्स के जो है ये काम करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक नोब दे रखी है, आप जो है इस नोब के ज़रिए आप इसकी जो रोशनी है वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, जो 10x जो है हमारी ये आईपीस 10x और ये जो एडजस्टमेंट लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है और ये 10x लेंस है, जब ये जो है 100x हो जाती है तो ये 100 टाइम जो है हमें मैग्निफिकेशन करके दिखाएगा। और जब ये जो है ये हमारा 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा 10x का है, तो जब हम इसे ये जो है 400 टाइम जो है मैग्निफिकेशन करके जो है आपको दिखाएगा। तो जब भी आप इसका यूज़ करें तो ऑयल इमर्शन करके करें। स्टूडेंट माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है वो लैब में होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल के लिए भी जो है स्टूडेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।